नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA के इस स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, आज का ये स्पेशल एपिसोड है, हमारे साथ में उपस्थित हैं एक समाज सेवी हैं, सत्येंद्र जैन सोली, आप परिचित होंगे। लोक नागरिक कल्याण समिति नामक एक संस्था चलाते हैं और इसके वो सचिव भी हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो चूंकि आप लोक नागरिक कल्याण समिति से आप सचिव हैं, तो क्या काम करते हैं आप और कैसे समाज सेवा करते हैं? हमारा बेसिकली सोशल अवेयरनेस का काम रहा है जी, और सामाजिक जागरूकता एक महत्वपूर्ण कड़ी है समाज में, चाहे वो नशा खोरी को लेकर उसके प्रति जागरूकता फैलाना हो, ट्रैफिक के प्रति हो, मतदाता जागरूकता के प्रति हो, तो एक सोशल अवेयरनेस का काम है। हमने देखा है शहर में आप लगातार कोई ना कोई अभियान, कोई ना कोई आंदोलन चलाते रहते हैं। अभी वर्तमान में आप नाले ढको अभियान चला रहे थे और उससे पहले आप नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे थे। अनवरत आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? बेसिकली जब समस्याएं दिखाई देती हैं समाज में, तो उसके प्रति कहीं ना कहीं ये आता है कि ये इस पर कुछ काम करना चाहिए और उसमें सुधार की आवश्यकता जो महसूस होती है, तो हम लोग पहले उसका पूरा अध्ययन करके और जो हमारे साथ के जो टीम के लोग हैं उसके फिर उसका समाधान खोजते हैं। तो समाधान खोजने के साथ में फिर उन बातों को समाज और शासन प्रशासन के सामने रखते हैं और ये चलता रहता है जी। सदन जी, बात करेंगे नाले ढको की तो कभी और, लेकिन आज हमने जिस सब्जेक्ट को लेकर के आज का ये एपिसोड रखा है, हमने शहर में अभी देखा गया है, वर्तमान में 1 फरवरी से ये नियम लागू हुआ कि शहर में जो यातायात की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए नगर निगम द्वारा ITMS इंस्टॉल किए गए हैं। प्रत्येक चौराहों पर लाल बत्तियां लगाई गई हैं जिनका पालन लोग कर रहे हैं और उनका चालान 1 फरवरी से शुरू हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो व्यवस्था की गई है, स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया फिरोजाबाद को, तो ये उसको स्मार्ट बनाने में कारगर है? देखिए, अपने स्मार्ट सिटी की बात की तो ये जो चौराहों पर लाल बत्ती और उसका जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, ये तो लगभग पुराने सभी शहरों में है जो स्मार्ट नहीं है, जिनको स्मार्ट सिटी नहीं कहा जाता, तो ये कोई नई व्यवस्था तो है नहीं। नई जो व्यवस्था है जो आज के दौर में, ये बहुत पुराना तरीका है और नई व्यवस्था में आज ये देख रहे हैं कि ये लाल और जो चौराहों पर लाल बत्तियां उनको ख़त्म किया जा रहा है जी, वहाँ पर या तो फ्लाईओवर बना दिए जा रहे हैं या तरीके से चौराहों को डिजाइन किया जा रहा है गोल चक्कर और उसमें कट देकर कि आराम से जो ट्रैफिक है वो निकल सके। जहाँ बहुत ज़्यादा भार है ट्रैफिक का, वहाँ ये चीज़ें काम कर रही हैं। आप आगरा में देख लीजिए, रामबाग से उन्होंने फ्लाईओवर बना के पूरा उसको निकाल दिया, लाल बत्तियाँ ख़त्म कर दी। तो जो अगर स्मार्ट सिटी है तो फिर तरीके भी स्मार्ट होने चाहिए ना जी, ये तो पुराना तरीका। चलिए, आप चूंकि अवेयरनेस का काम करते हैं और हम देखते हैं कि आप जब भी किसी मुद्दे पर बात करते हैं या उसकी उसके बारे में कोई अभियान आंदोलन चलाते हैं, तो आप उस पर एक गहन अध्ययन करते हैं। तो आपने कभी इस जो ट्रैफिक व्यवस्था है फिरोजाबाद की, उस पर कभी अध्ययन किया हो? इसमें अब मान लीजिए कोई हम स्कीम बनाते हैं तो कोई भी योजना धरातल पर उतारने के साथ हर पहलू पर उस पर काम होना चाहिए कि जी, और उसके जो उद्देश्य हैं। अब जैसे ये आप सुनते होंगे कि साहब इसका हमें ट्रैफिक व्यवस्था इससे ठीक करनी है, जाम नहीं लगे, तो अब आप बताइए क्या जाम नहीं लग रहा है? अभी भी शहर में जाम लग रहा है, पहली बात। दूसरा ये उद्देश्य था कि जो यहाँ ये शहर स्मार्ट हो जाएगा, ये जो बत्तियाँ लग जाएंगी, तो क्या जो वास्तविकता में स्मार्ट शहर हैं उसमें क्या इसी तरीके का पैटर्न है, या जो स्मार्ट नहीं है उसमें उनमें किस तरीके का वो रोड मैप है ट्रैफिक का, वो देखने की ज़रूरत है। तीसरा ये था कि साहब दुर्घटनाएँ रुकेंगी इससे, तो अब उन लोगों को ये बताना चाहिए कि कोटला चुंगी के नीचे हमने लगाई है जो लाइटें लगाई हैं, ट्रैफिक सिग्नल लगाए हैं, वहाँ कितने एक्सीडेंट अभी तक हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, ये डाटा आना चाहिए समाज के लोगों के सामने, जिससे पता चले कि वास्तविकता में जो आप
जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं वो पूरा हो रहा भी या नहीं हो रहा। जलेसर रोड के चौराहे के जो पुल के नीचे, उन्हें बताना चाहिए कि कितने जो लोगों के एक्सीडेंट वहाँ हुए हैं, तो आपको कितने लोगों की मौत हुई है। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है कभी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सीडेंट नहीं होते हैं। एक्सीडेंट जहाँ लाल ये ट्रैफिक सिग्नल हैं वहाँ भी होते हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ भी होते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं उसे अधूरी तैयारियों से ना करें। अच्छा, अभी जैसे आपने देखा है ट्रैफिक लाइटों का, सुहाग नगर का है या सेंट जॉन चौराहे का है, तो वो करीब 2 मिनट तक आप हाईवे ब्रेक कर रहे हैं जबकि साइडों में ट्रैफिक होता नहीं है। तो एक तो उन्होंने टाइमिंग सेट नहीं की सभी की, बरी के नगरी पर भी यही हो रहा है। तो जो ट्रैफिक के सिपाही जहाँ हैं, कुछ चौराहों पे हैं कुछ में नहीं है, लेकिन जहाँ हैं तो वो जब फिर बाद में जब वो देखते हैं कि ट्रैफिक इधर का ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब जब माफ़ करिए आपको रोक रहा हूँ बीच में, स्मार्ट का मतलब ये है, ITMS जो इंस्टॉल किया गया है, ITMS का मतलब ये है कि वहाँ पर बैठ करके वो ट्रैफिक को देखते हैं, कैमरे हर चौराहे पर लगे हुए हैं जहाँ ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, और ITMS रूम में वो बैठ करके ये देखते हैं कि किस चौराहे पर कितनी देर का ट्रैफिक लगा हुआ है, तो वो वहाँ से ही कंट्रोल कर रहे हैं इसको। तो चौराहे पर मुझे नहीं लगता कि पुलिस कर्मी की ज़रूरत है या किसी ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, वहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा। 2 मिनट का, जैसे मैंने आपको बताया सेंट जॉन्स का है, ये 2 मिनट का हाईवे ब्रेक कर रहे हैं वहाँ पर, जबकि साइडों में ट्रैफिक का भार है ही नहीं, मुश्किल से होगा तो 30 सेकंड का। तो अब ये कैसे कैसे हो रहा है अगर वहाँ से ये कर रहे हैं तो वो कैसा रहा है? बाकी जो कैमरे तो पहले भी कई बार लगे हैं लेकिन वो उतनी सफलता उसमें नहीं मिली है। नहीं, पर चालान तो कैमरे से ही हो रहे हैं। अब बात इसलिए यही है ना कि हम किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। बात सारी आकर ये हो जाती है कि पूरा हमारा जो जो ये मिशन है, लोगों की जान बचनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि कोई भी किसी की भी ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक्सीडेंट ना हो, किसी की मृत्यु उसमें नहीं हो, दुर्भाग्यपूर्ण जो हो जाती है। लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है कि उसकी आड़ में आप कहीं दूसरी दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि लोगों की सुरक्षा जरूरी है, बट ये काम सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उगाही के लिए किया गया। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है इसमें कि जब हम कोई भी योजना बनाते हैं तो अनियोजित विकास ना हो, अनियोजित विकास नहीं हो, सम्यक विकास की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो। अभी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं चौराहों पर वो अनाउंस हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस तरीके की कमेंट्री हो रही है, ये ट्रैफिक पर गया और ये कटा चालान, जैसे जो पतंगबाजी में उड़ाते में जो कॉमेंट्री होती है उस तरीके की कॉमेंट्री हो रही है। पब्लिक भयभीत होती है इन सब चीज़ों से। और कहीं जो अपने जेब्रा जो क्रॉसिंग के वो है, वो कहीं निशान कई चौराहों पर नहीं है उसमें, और आपने चौराहों का सौंदर्यकरण नहीं किया, आपने चौराहों का चौड़ीकरण नहीं किया, चौड़े होने चाहिए चौराहे, गोल चक्कर बीच में बनने चाहिए। तो हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अधूरी तैयारियों से जब हम कोई काम करेंगे तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, और पब्लिक को फिर ये लगता है कि अब कहीं कोई बदलाव तो आया नहीं। आप जाटापुरी चौराहे पर चले जाएं, सारे टेम्पो आपको खड़े मिलेंगे, सारी व्यवस्थाएं वही हैं, चौड़ीकरण है नहीं, रश बहुत है, पैदल निकलने में ही रश इतना है। तो जब आपने चौराहों को चौड़ा नहीं किया, आपने गोल चक्कर के निर्माण नहीं किए, आप सीधे ले जाके उसको चालान की प्रक्रिया आपने शुरू करा दी, आपने प्रशिक्षण के बेसिकली जो कैंप होने चाहिए या अभी भी जो प्रशिक्षण का काम है वो होना चाहिए, भाई जनता एकदम तो चीज़ों को आप उस पर थोपेंगे तो नहीं आपकी बात बनेगी। अब जो इन्होंने अवेयरनेस के कार्यक्रम भी जो चलाए, कुछ प्रोग्राम अच्छे हुए, लेकिन एक बड़ी तादाद उन प्रोग्रामों की ऐसी थी कि वो छोटे छोटे बच्चों के बीच में कार्यक्रम हुए। अब वो बच्चे तो वाहन नहीं चलाते, अब उनका तर्क ये था कि वे बच्चे जाके घर पे समझाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि वो जो उद्देश्य की पूर्ति है उसको पूरा नहीं करती। तो मेरा कहना ये है कि, और निवेदन भी है कि आप प्रॉपर तैयारी से काम करिए। ये जनता कोई बाहरी नहीं है, ये मेरे शहर के सभी लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। आप इस पर एक प्रॉपर, पहले चौराहों का चौड़ीकरण हो जाए, गोल चक्रों का निर्माण हो जाए जहाँ आवश्यकता हो, और जो डिवाइडर कट लगने चाहिए कि जिससे यहाँ से जो निकलना है तो वहाँ से निकले, दूसरी दिशा से ना निकले, वो नहीं हो रहा है। अब सैली चौराहे पे वो छोटा सा सकरा सा चौराहा है, वहाँ चौराहे पे ऑटो खड़े रहते हैं और वहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट ट्रैफिक सिग्नल से चालान के लिए लगा दिया, जबकि बीच में डिवाइडर देना चाहिए जिससे सामने वाला इधर निकलना हो तभी तो निकलेगा वो, लेकिन वो कोई काम हो नहीं रहे हैं। तो ये अधूरी तैयारी से जो काम हो रहे हैं तो उससे उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं। उससे लोगों को ये लगता है कि पता नहीं केवल 500 और 1000 रुपये का एक भारी भरकम चालान
तो जो ऑटो आप जिन लोगों ने चालान की रेट रखी उनके लिए तो वो छोटी अमाउंट होगा, क्योंकि बड़े लोग हैं सब जो तय करने वाले चालान का, लेकिन आम पब्लिक के लिए तो ये एक बहुत बड़ी रकम हो गई। अगर आपको इसको करना ही था, लोगों की हैबिट में लाना है और ट्रैफिक में सुधार करना है, तो वो धीमी 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 ही तो हो पाएगा। अब उसके लिए करना ये हो, मान लीजिए 20 रुपये का 50 रुपये का कोई ऐसा चालान का रख दिया जाए शुरू में, तो 1, 2, 10 बार जब पनिश होना शुरू होगा तो एक आदत में आएगी और 6 महीने साल भर में वो चीज़ें बदलना शुरू हो सकती हैं। लेकिन डायरेक्ट ये इस तरीके का रखेंगे तो उससे निश्चित तौर पर हम उस लक्ष्य को नहीं पा सकते जिसके लिए ये काम हो रहा है। जी, जुर्माना बड़ा करने का तो उद्देश्य ये हो सकता है ना कि लोगों में थोड़ा सा भय बना रहे कि हाँ नहीं, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है और हमें ट्रैफिक को नियमों को नहीं तोड़ना है, चौराहे पर नहीं लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपने बात करी थी ऑटो की, तो ऑटो के लिए स्टैंड बनाए नगर निगम ने, मैंने देखा कि कई जगहों पर स्टैंड बनाए हैं, आपके जिले से रोड चौराहे पर भी स्टैंड है, आपके कोटला चौराहे पर भी, कोटला चुंगी चौराहे पर भी स्टैंड है, तो आपको लगता है कि वो भी अधूरी तैयारी है? बात ये है कि वो स्टैंड आपने बनाया उसको, उनको कितना आप कन्विंस कर पाए जिनको वहाँ पर वाहन खड़ा करने है। बात ये है ना, मैंने कहा ये सोशल अवेयरनेस एक बड़ा इशू है और ये लगातार चलते रहना चाहिए। सबसे पहले हम ऑटो को कंट्रोल करें, पहले हम चौराहों का चौड़ीकरण करें, हम वहाँ जहाँ गोल चल करके निर्माण की आवश्यकता है उनको करें, चौराहे पर जो डिवाइडेशन देना है हमें उसका काम हमारा पूरा हो। ये सारे काम होने के बाद में फिर धीमे धीमे हम मान लो 20 या 50 रुपये का एक चालान रखें, पब्लिक में ये मैसेज दें, चाहे 1000 रुपये का कटे या 500 का कटे या 20 का कटे, पब्लिक में एक संदेश जाएगा इससे धीमे धीमे छोटी रकम से कि जो यहाँ की जो हमारी जो नगर निगम है और जो जिला प्रशासन है उसका उद्देश्य केवल पैसा लेना नहीं है, उनका उद्देश्य एक अच्छी व्यवस्था ट्रैफिक की हो जाए उसके लिए है, वो नहीं हो रहा है काम शहर के अंदर के। अब ये वैसी बात हो गई जैसे किसी को रोटी की जरूरत है और आप उसको पान खिला रहे हैं। बात ये है, अभी शहर का ही आप देख लीजिए, शहर के सारे जितने भी चौराहे हैं कितने कंजस्टेड हैं और पूरे दिन उसमें जाम में लोग फंसे रहते हैं, चाहे सेंटर चौराहा हो, चाहे गांधी पार्क चौराहा हो, चाहे आपके नालगंज चौराहा हो। तो अब इनका चौड़ीकरण हो, प्रॉपर तरीके से लोगों को चलने का एक सही तरीका मिले। टरियों की एक बड़ा इशू है शहर के अंदर, इसका पूरा रोड मैप है, जब आगे कभी बात होगी तो इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे ऑटो का, टरियों का और ये जो ट्रैफिक की समस्या है इसका कैसे समाधान होगा और व्यवहारिक तौर पर होगा। अच्छा जी, चलिए, तो ट्रैफिक लाइट की मैंने देखा कि कई चौराहा, आज भी सुबह मैंने देखा कि चौराहे पर ट्रैफिक लाइट है। अब जैसे मैं सुहागनगर चौराहे की बात करूं, तो सुहागनगर चौराहे पर क्या होता है कि एक तो हाईवे है, अब हाईवे के दोनों तरफ लाइट है, ठीक है, एक लाइट आती है जो सुहागनगर रोड की साइड में लगी हुई है और वो जयनगर से आने वाले लोगों के लिए है, लेकिन वो लाइट सुहागनगर वाली भी रेड लाइट है, इस तरफ चौराहे की भी रेड लाइट है और इस तरफ चौराहे की भी रेड लाइट है। अब तीनों लाइट रेड हैं तो कौन सा आदमी पास करेगा? मैं ये कहा ये मिसमैच है, एक तो टाइमिंग सेट नहीं है चौराहों पर लाइटों की, जो टाइमिंग सेट होना जरूरी है ट्रैफिक के बाहर के हिसाब से। अब वहां क्या हो रहा है, जो ट्रैफिक सिपाही है, अब ट्रैफिक सिपाही लाल बत्ती होने के बावजूद भी लोगों को वहां पास करा रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है, भाई सबको तो नहीं रोक सकता, किसी ना किसी को तो पास कराना पड़ेगा, तो अब जब वो पास करा रहा है तो फिर पब्लिक अपने आप भी पास करेगी उसको। ये भी यही रहा है और इसी वजह से ये जो लोगों में थोड़ा सा अंदर से, हम तो सामाजिक लोग हैं और लगातार मेरे पास में खबरें आ रही हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, आप इस पर कुछ बात करिए। तो मेरा तो प्रशासन से भी यही कहना है कि अधूरी तैयारियों को एक बार ही पूरा कर लिया जाए। जिन बिंदुओं को हमने उठाया है कि एक तो ये जो चौराहे का चौड़ीकरण हो, लाइटों की टाइमिंग सेट हो और जो ये जो इन्होंने चालान का जो शुल्क रखा है वो शुल्क अभी एक प्रतीकात्मक हो, एकदम पनिश नहीं हो, दंडित करने वाला ना हो, एक प्रतीकात्मक हो कि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि हमारे 20 रुपये कट गए आज, कल ये 50 कट रहे हैं या 20 कट रहे हैं, या एक चालान पर मान लीजिए 20 कटे, दूसरी बार होगा तो 50 कटेंगे, इस टाइप का कुछ हो तो लोगों को लगेगा कि ये
प्रशासन भी हमारे साथ में कोऑपरेट कर रहा है और धीमे धीमे चीज़ें बदलेंगी। लेकिन एकदम अगर आप ये करेंगे कि दंड से ही सारी चीज़ें अगर ठीक हो रही होती तो होती नहीं है व्यवहारिक तौर पर। जी चलिए, ट्रैफिक सिग्नल के अलावा और क्या ट्रैफिक को रोकने के लिए, जाम की व्यवस्था को रोकने के लिए और क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? उसमें देखो ये एक तो अवेयरनेस तो सबसे बड़ा एक बिंदु है। अवेयरनेस आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप क्यों नहीं अवेयरनेस चलाते? हम तो लगातार करते हैं, अपर प्रशासन भी इसमें हमारे साथ आना चाहिए और जब भी आए हैं तो हमने पूरा सहयोग किया है, चाहे मतदाता जागरूकता का हो, 21% का फिरोजाबाद के अंदर रिकॉर्ड हुआ, 21% वोट 2014 में बढ़ा, लोग अवेयरनेस आई, बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुए और उसको चीफ इलेक्शन कमीशन ने बुलाकर हम लोगों को वहाँ पर बात भी की और बड़ा सम्मान दिया। तो ऐसा नहीं है कि जी, लेकिन आपको थोड़ी सी पहल होना भी तो करनी पड़ेगी कि भाई आप साथ आओ जी। लेकिन वो जी सब होता जब ही है जब आपका उद्देश्य क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं दोनों में अंतर ना हो। अभी एक दिन में आपने 900 चालान हो गए, रोज लगातार चालान पे चालान कटते जाएंगे तो दंड से चीजें फिर वो बहुत अच्छी होती नहीं है, ये मेरा तो इतना कहना है। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चर्चा हुई और ट्रैफिक सिग्नल के बारे में सत्येंद्र सोली ने जो बातें बताई आप उनसे कितना सहमत हैं और आपको लगता है कि अगर ये ट्रैफिक सिग्नल का ITMS का जो सिस्टम है फिरोजाबाद में इंस्टॉल किया गया है वो कारगर है या नहीं, आप इस पर भी अपना कमेंट करके राय हमें दे सकते हैं। सत्येंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।